गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट था वो लिखा था क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर में, जिसमें हमने समझा था कि इसका जो नाम है चैप्टर नंबर 7 का वो दी इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू साक्षात्कार के बारे में। वहां पर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने अपने एक्सपीरियंस, दूसरे जो सेलिब्रिटीज के थे जिन्होंने इंटरव्यू दिए थे, उनके सारे एक्सपीरियंस शेयर किए थे। ये बताया था कि किसी को इंटरव्यू जो लगता है वो फिजिकल असॉल्ट की तरह लगता है, किसी को इंटरव्यू बहुत ऐसा लगता है कि जैसे कोई क्राइम हो रहा है, किसी को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू जो लिया जा रहा है उसका तो ऐसा लगता है कि इसको जैसे उसके विंड पाइप को दबाया जा रहा है, और कोई इसको बहुत अच्छा पहलू भी मानते हैं। तो हमने ये पार्ट वन में समझा था। अगर आप पार्ट टू समझने जा रहे हैं तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप पहले पार्ट वन को अच्छी प्रकार से समझें, तभी आपको पार्ट टू जो है इसका वो समझ में अच्छे से आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू का पार्ट टू, जो कि है एक फेमस राइटर अम्बर्टो इको का इंटरव्यू, जो कि लिया है मुकुंद पद्मनाभन ने। मुकुंद पद्मनाभन भी एक फेमस रहे हैं पर्सनालिटी, और उन्होंने किसका इंटरव्यू लिया है, अम्बर्टो इको का। तो ये अम्बर्टो इको का पिक है और ये है मुकुंद पद्मनाभन का। तो आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे बाय अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको ने क्या कहा कि मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, एक शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो काम लिखता है, जो अपने नॉवेल्स लिखता है संडे वाले दिन। The following is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan from The Hindu. ऊपर का जो extract है वो किससे लिया गया है? एक interview से लिया गया है जिसको दिया है Umberto Eco ने। और जो interviewer था, जो साक्षात्कार लेने वाला था, वो कौन था? Mukund Padmanabhan, जो थे एक बहुत famous newspaper The Hindu से। Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science. अब Umberto Eco के बारे में हम देखें तो वो बोलोगना इटली की एक जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर थे। अब ये जो बोलोगना यूनिवर्सिटी है ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी, ये थी करीब 1088 के बीच में ये ओपन हुई थी, ये इटली में यूनिवर्सिटी। ये पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी, और वहां पर अम्बर्टो इको जो थे प्रोफेसर थे, और जिनकी फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, मतलब बहुत स्ट्रांग और पावरफुल फेम था उनका। और उनका काम किस पे था? सीमियोटिक्स, यानी द स्टडी ऑफ साइंस। साइंस की स्टडी में उनको बहुत मास्टरी हासिल थी। लिटररी इंटरप्रिटेशन, जो भी लिटररी पैसेज वगैरह होते थे या जो लिटरेरी आर्टिकल्स वगैरह उनको मिलते थे, उनका वो क्या करते थे? इंटरप्रेट किया करते थे। एंड मीडिएवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, और मध्यकालीन जो इतिहास था, जो मिडिल पीरियड का था, उसके बारे में क्या करते थे? वो लिखा करते थे। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, हिज रिटन आउटपुट्स इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। अब उनका जो जितना रिटन वर्क था वो किस किस चीज में था? लिटररी फिक्शन, इमेजिनरी राइटिंग पर, एकेडमिक टेक्स्ट, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड टेक्स्ट हुआ करते थे, ऐसे निबंध, चिल्ड्रंस बुक्स, बच्चों से संबंधित किताबें, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, वो सब कुछ बहुत टू मच, यानी बहुत ज्यादा रेंज में लिखा जाता था। इन 1980 He acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. अब यहाँ पर 1980 में क्या हुआ कि उनको बहुत ज्यादा स्टारडम मिला और बहुत ज्यादा फेम प्राप्त हुआ। किस चीज से? उनका जो एक नॉवेल था जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, ये जो नॉवेल था इसके लिखने से इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और इस नॉवेल की प्रसिद्धि इतनी थी कि इसकी लगभग 10 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी।
मतलब अम्बर्टो इको जो थे वो बहुत फेमस नॉवेलिस्ट के रूप में आ गए, यद्यपि वो क्या थे, एक प्रोफेसर थे। अब उनका इंटरव्यू चालू हो रहा है। मुकुंद, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्स, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही, ब्रैकेट में इको, डज। अब मुकुंद ने बोला कि एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे और जो एकेडमिक डेविड लॉज, उन्होंने आपके ऊपर एक प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने क्या कहा था आपको, आपको मतलब अम्बर्टो इको को, कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे एक व्यक्ति इतने सारे कार्यों को कर सकता है। मींस अम्बर्टो इको इतना ज्यादा वर्कोहॉलिक थे और इतना ज्यादा काम किया करते थे और इतने क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, तो डेविड लॉज ने क्या कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा कि आप इतने सारे काम कैसे कर पाते हैं। आंसर में अम्बर्टो इको कहते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। हो सकता है कि लोगों को ऐसा इंप्रेशन पड़ता हो कि मैं बहुत सारे काम करता हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं हमेशा सेम थिंग करता हूं, एक ही चीज करता हूं। नाउ द मुकुंद क्वेश्चन, विच इज, कौन सा काम, अम्बर्टो इको, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ये बताना तो बहुत कठिन है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडेमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स, बोलते ये बताना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, फिलोसॉफिकल यानी दर्शन से रिलेटेड कुछ चीज जो एग्जिस्ट कर रही है, हाउ टू वर्क, कोई भी चीज जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो कैसे वर्क करती है, उसका मोड ऑफ इंटरेक्शन क्या है, दैट इज नोन एज फिलोसॉफिकल। तो मुझे फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है और मैं उसको फॉलो करता हूँ अपने सारे कार्यों के दौरान, माई एकेडेमिक वर्क, जब मैं अपने शिक्षा से काम संबंधित करता हूँ, माई नॉवेल्स के संबंधित काम करता हूँ, तब मैं उसको फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट के साथ करता हूँ। इवन माई बुक फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, और इसके अलावा भी जो मैं बच्चों के ऊपर जो किताबें बच्चों के लिए लिखता हूँ उसमें भी नॉन वायलेंस यानी कोई हिंसा नहीं दिखाई जाती और हमेशा शांति का संदेश ही दिया जाता है। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, आप देख सकते हैं कि इन सब चीजों में मेरे एथिक्स और मेरे फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट शामिल हैं। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, द यूनिवर्स बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। अब बोलते हैं कि इसका एक सीक्रेट है, मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। यूनिवर्स मतलब जहां सोलर सिस्टम वगैरह एग्जिस्ट करते हैं वो ओपन स्पेस है उसको यूनिवर्स। तो बोलते हैं कि क्या तुम समझ सकते हो कि यदि तुम पूरे यूनिवर्स में जितनी भी खाली जगह है उन सारी जगहों को खत्म कर दो, सारी चीजों से जितना भी एम्प्टी स्पेस है उसको बाहर निकाल दो, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्स के पूरी एम्प्टी स्पेस को खाली करने के बाद क्या तुम एम्प्टी स्पेस ऑल द एटम, जितने एटम पूरे वर्ल्ड में पूरे यूनिवर्स में जितने एटम्स हैं, साइंस वाले बच्चे समझ सकते हैं एटम्स, तो बोलते उन एटम्स के बीच की भी जो स्पेस है उसको भी आप अगर बिल्कुल अलग कर दो, यानी जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस है ऑल ओवर द यूनिवर्सेस यूनिवर्स, आप उन सबको अगर खत्म कर दो तो आपको पता है द यूनिवर्स बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो यदि ये सारी एम्प्टी स्पेस खत्म कर दी जाए तो जितना यूनिवर्स है वो पूरा मेरी मुट्ठी में आ जाएगा, फिस्ट यानी मुट्ठी, तो पूरा यूनिवर्स मेरी मुट्ठी के बराबर बड़ा होगा। इसका मतलब कहीं भी सब जगह क्या है, एम्प्टी स्पेसेस दी हुई हैं। बहुत ध्यान से समझना बच्चों इस चीज को। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन अवर लाइफ, इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी हमारे पास क्या है, लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, बहुत सारी खाली जगह है। कैसे, आई कॉल देम इंटरस्टिक्स, मैं उनको इंटरस्टिक्स बोलता हूं। से यू आर कमिंग ओवर टू माय प्लेस, अब इसको ऐसे समझो कि तुम मेरे से मिलने मेरे जगह आ रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर एंड व्हाइल यू आर कमिंग अप, तुम एलिवेटर पे हो, एक जो अपने यहाँ स्वचालित सीढ़ियां रहती हैं या लिफ्ट में हो, और तुम मेरे पास आ रहे हो। जब तुम मेरे पास मिलने आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। दिस इज एन इंटरस्टिक्स,
ये क्या है? यही एक वो खालीपन है, वो खाली जगह है, एन एम्प्टी स्पेस, एक खाली मतलब एक स्पेस क्रिएट करी तुमने। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, और तुम्हारा मुझसे मिलने आने के लिए वेट करने के बजाय जो एम्प्टी स्पेस मुझे मिला, जो टाइम मुझे मिला, आई वर्क, मैं उतने समय में क्या कर लेता हूं, अपना काम कर लेता हूं। व्हाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं इसके बदले कि तुम एलिवेटर से पहले फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आओ, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल लॉ, और तब तक तुम्हारे फर्स्ट से थर्ड फ्लोर तक आने के बीच का जो एम्प्टी स्पेस, जो खाली समय मुझे मिला, तब तक मैं एक आर्टिकल लिख लेता है। और ऐसा अम्बर्टो ई को हंसते हुए बताते, कह रहे मैं उस खाली समय का भी क्या करता हूँ, उपयोग करता हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं, सारा समय किसी के वेट में ही निकाल देंगे, तो वो उसने इतनी अच्छी चीज बताई कि हमारे पास खाली समय होते हैं और उस खाली समय को हमको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। मुकुंद, नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैड अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। अब मुकुंद कहता, नहीं नहीं सब कोई आपके जैसे तो नहीं कर सकते, आपकी जो नॉन फिक्शन राइटिंग है, आपका जो एकेडमिक वर्क है, वो सब चीजें ऐसी हैं जो आपकी पर्सनल क्वालिटी को बताता है। इट इज अ मार्क डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल विच इज इनवेरिएबली डिपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज इट समथिंग दैट जस्ट कम नेचुरली टू यू। अब वो मुकुंद पूछते हैं कि अगर हम अपने आप से थोड़ा दूर होकर के जाएं और रेगुलर एकेडमिक स्टाइल को जाएं, तो आप ये बताइए कि आप डीपर्सनलाइज मतलब खुद शामिल नहीं होते, कोई भी आर्टिकल कोई लेखक लिखता है और यदि उसमें उसकी सोल शामिल नहीं होती तो वो पर्सनलाइज नहीं माना जाता, डीपर्सनलाइज हो जाता। तो बोलते कि आप जब इतना सब कुछ लिख लेते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो चीज जो आर्टिकल है वो डिपर्सनलाइज्ड है, ये ड्राई है या बोरिंग है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने इसको अडॉप्ट किया है अपनी राइटिंग वर्क में, या फिर ये आपके पास नेचुरली आई है, मतलब प्राकृतिक रूप से आप ऐसा ही लिखते आ रहे हैं, या फिर अपने आपने अपनी लेखन जो कला है उसमें ये सारी चीजें ऐड की हुई हैं। अम्बर्टो ई को आंसर करते हैं, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, उन्होंने कहा कि जब मैं अपना फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन, डिसर्टेशन वर्क मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट रिसर्च होता है जो आप अपने अंडर ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में करते हैं, दैट इज नोन एज रिसर्च प्रोजेक्ट डिसर्टेशन। जब मैं इटली में अपना डॉक्टोरल डिसर्टेशन कर रहा था, तभी एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा था, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट, स्कॉलर्स जो होते हैं वो बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सीखते हैं, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, और तब वो क्या करते हैं, बहुत सारी गलत या झूठी हाइपोथेसिस मतलब एजम्पशन अवधारणाएं, बहुत झूठी हाइपोथेसिस अवधारणाएं बना लेते हैं, देन दे करेक्ट देम, उनको वो सुधारते हैं, एट द एंड और उसको आखिरी तक सुधारते रहते हैं, दे पुट द कंक्लूजन, और उसके बाद उसका क्या कर देते हैं, वो कंक्लूड करके रख देते हैं। मतलब अधिकतर जितने भी लोग रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क करते हैं उसमें बहुत सारी फॉल्स अजम्पशन करते हैं, फिर उसको अपने हिसाब से करेक्ट करते हैं, उसको एंड बनाते हैं और उसको कंक्लूड करके रख देते हैं। ऑन द कंट्रेरी, लेकिन इसके विपरीत, टोल द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, मैं अगर तुम्हारी रिसर्च को देखता हूँ, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, जो कि तुमने अपने ट्रायल्स और एरर्स को भी इसमें इंक्लूड किया है, एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज आई वॉज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिजर्टेशन एज अ बुक विच मीट ही अप्रिशिएटेड इट। अब क्या होता है, ये अम्बर्टो इको के प्रोफेसर कहते हैं कि बाकी लोग तो गलत काम को सही करके और कंक्लूड करके रख देते हैं, लेकिन तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने अपने रिसर्च वर्क में अपने ट्रायल और अपने एरर को भी शामिल किया है, मतलब तुमने बिल्कुल करेक्टली बहुत नेचुरली तरीके से किया है, तब उनने सोचा कि मैं इसको पब्लिश करवा देता हूँ, तो उन्होंने अपने डिसर्टेशन बुक को पब्लिश कर दिया। एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन।
उस समय जब ये समय ये वाकया हुआ तब मेरी एज कितनी थी, 22 वर्ष की अवस्था थी। तब मैं समझा कि जो भी हमें एकेडमिक वर्क करना है उसको किस प्रकार से किया जाना है, बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, जो कि हमको रिसर्च स्टोरी में मैं आपको बता चुका हूँ। दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव नॉवेल्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। तो बोलता है इसीलिए अपनी नेचुरलिटी को उसमें लाने के लिए मेरे ऐसे हमेशा नरेटिव एस्पेक्ट, नरेटिव मतलब खुद फर्स्ट पर्सन में बोले जाने वाले, और मैंने इसको बहुत लेट स्टार्ट किया नॉवल लिखना, या तो एज ऑफ 50 इससे कम या ज्यादा में मैंने अपने नॉवल लिखना स्टार्ट किए। आई रिमेम्बर माई डियर फ्रेंड रोनाल्ड बार्थेस वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एसिस्ट एंड नॉट अ नॉवलिस्ट। मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था रोलैंड बार्थेस, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, वो एक एसिस्ट था, वो एक निबंधकार था, लेकिन वो कभी एक अच्छा नॉवलिस्ट नहीं बन पाया। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनादर बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। वो चाहता था कुछ क्रिएटिव तरीके से लिखना, लेकिन ऐसा करने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया और वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया। I never felt this kind of frustration. मैंने कभी इस प्रकार का frustration महसूस नहीं किया। I started writing novels by accident. एक संयोग से मैंने अपना novel writing start किया। क्या घटना हो गई थी? I had nothing to do one day and so I started. एक दिन मेरे पास कोई काम नहीं था करने के लिए, तब मैंने क्या कहा, मैंने सोचा कि मैं novel लिखना start करूं। Novels probably satisfied my taste for narration. शायद नॉवेल लिखना मेरे मन को बहुत भाता है जिसमें मैं नरेशन कर सकता हूं। नेक्स्ट देखें, मुकुंद, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ The Name of the Rose. You are writing 5 novels against many more scholarly works of non-fiction. At least more than 20 of them. अब यहाँ पर मुकुंद कहते हैं कि यदि हम novels की बात करें तो आपका बहुत famous academic career भी रहा है, लेकिन आप जब आपका जो novel था The Name of the Rose, इस ये novel जब आपका publish हुआ तब आप एकदम से spectacularly मतलब in an amazing manner बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से आप famous हो गए। You have written 5 novel against many more scholarly works of non-fiction. Non-fiction scholarly work करते हुए आपने कितने 5 novels उस समय लिख डाले थे, at least more than 20 of them, और उसमें से 20 तो कुछ, जैसे ही उन्होंने 20 का शब्द बोला तो अंबर टीको ने बीच में टोकते हुए बोला over 40, नहीं नहीं 40 से ज्यादा। मुकुंद, ओवर 40, अमंग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सीमियोटिक्स, बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो ईको एंड दे विल से ओ ही इज द नॉवेलिस्ट, डज द बोदर यू। अब यहां पर मुकुंद बोलता है अच्छा 40, और ये सारे मतलब इन बीच में आपने किस पे, सीमियोटिक्स पे भी वर्क किया है, मैंने साइन भी आपने वर्क किया है, और बहुत सारे लोगों से जब आपके बारे में पूछा जाता है अम्बर्टो ईको के बारे में तो वो सब आपको क्या बताते हैं, द नॉवेलिस्ट, एक उपन्यासकार के रूप में बताया जाता है, जबकि आपने बहुत सारे एकेडमिक रिटन वर्क भी किए हैं। तो क्या ये आपको ट्रबल नहीं करता, बोदर मतलब ट्रबल, तो क्या इन सबसे आपको ट्रबल नहीं होता? अम्बर्टो ईको, यस, बिकॉज आई कंसाइडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर Who writes novels on Sunday? हाँ, मुझे थोड़ा बोदर तो करता है क्योंकि मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर समझता हूँ जो सिर्फ संडे वाले दिन ही नॉवेल लिखता है। It's not a joke. I participate in academic conferences and not meeting of pen clubs and writers. ये कोई मजाक नहीं है, मैं हमेशा जितनी भी एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस होती है वो सब मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी पेन क्लब, जो राइटर्स की मीटिंग होती है और जो पेन क्लब्स होते हैं उनको मैं कभी ज्वाइन नहीं करता।
आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विथ एन एकेडेमिक कम्युनिटी, मैं अपने आप को एक एकेडेमिक कम्युनिटी के उसमें आइडेंटिफाई करता हूँ. बट ओके, लेकिन ठीक है, इफ दे मोस्ट पीपल हैव रीड ओनली द नॉवेल्स लाफ्स एंड श्रग्स, आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस. आई कांट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विथ स्टफ ऑन सेमियोटिक्स. तो वो हंसते हुए बोलते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं एक एकेडेमिक कम्युनिटी के रूप में जाना जाऊं, लेकिन अगर कोई लोग नहीं जानते मुझे, मुझे जिन्होंने सिर्फ नॉवेल पढ़ा है, तो वो मुझे क्या समझेंगे, सिर्फ एक नॉवेलिस्ट. और हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा है, कोई मुझे नॉवेल के बारे में भी जानता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉवेल के माध्यम से मैं बहुत सारे ऑडियंस के बीच में पहुंचा हूँ, लेकिन किसी ने भी, बहुत सारे ऑडियंस ने, कोई 1 मिलियन लोगों ने मेरी स्टफ ऑन सेमियोटिक्स नहीं पढ़ी है. उन्होंने वो चीज नहीं जानी है, उन्होंने सिर्फ नॉवेल को ही पढ़ा है, इसलिए लोग मुझे एज ए नॉवेलिस्ट ही जानते हैं. मुकुंद, विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवेल. इट इज अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, बट इज ऑल्सो ड्वेल्स इन टू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मीडिएवल हिस्ट्री, येट इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑफ ऑडियंस. Where you puzzled at all by this? अब यहाँ पर मुकुंद बोलता है, चलिए अब मुझे मेरा नया क्वेश्चन आपको पास आ रहा है. क्या है? उन्होंने पूछा कि जो आपका नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, ये बहुत गंभीर, बहुत सीरियस नॉवेल है, इसमें एक प्रकार से जासूसी का भी जिक्र है, ये मेटाफिजिक्स में भी चले. मेटाफिजिक्स मतलब जो चीज एग्जिस्ट कर रही है वो, हाउ टू वर्क, वो कैसे वर्क कर रही है. थियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड रिलीजियस मैनर. मीडिएवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन इतिहास के बारे में दर्शाना. तो कहता है कि ये एक बहुत सीरियस नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, इसमें आपने मेटाफिजिक्स के बारे में, थियोलॉजी के बारे में और मीडिएवल हिस्ट्री के बारे में बहुत सारा डिस्कशन दिया हुआ है. तो मुझे नहीं लगता कि इतने सीरियस मैटर को एक बहुत इतना बड़ा ह्यूज मास ऑफ ऑडियंस, मतलब बहुत सारे दर्शकों ने या पढ़े श्रोताओं ने इसको पसंद किया होगा. वे आर यू पजल एट ऑल बाय दिस, क्या आप इन सब चीजों से पजल नहीं होते कि इतना गंभीर नॉवेल होते हुए भी इतने सारे लोगों ने उसको पसंद किया. अब आंसर करते हैं अम्बरटोई को. नो, जर्नलिस्ट आर पजल. जो जर्नलिस्ट थे वो पजल हुए. एट सम टाइम पब्लिशर, और पब्लिशर भी इसको लेकर के पजल थे. And this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experience. क्योंकि जो journalists, जितने पत्रकार थे, जितने publishers थे, उन सबको ये जानते थे कि public जो है वो trash पसंद करती, जिसमें उसको enjoy आए, जिसमें उसको मजा मिले, ऐसी चीजें reading करना चाहती है. And don't like डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, और वो कठिन तरह के, गंभीर प्रकार के जो पढ़ाने वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसको पसंद जनरली पब्लिक नहीं करती. अब आप सोचें, कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट. अगर हम कहें ये अर्थ जो प्लेनेट है, इस पे कितने पीपल रह रहे हैं, 6 बिलियन पीपल रह रहे हैं. द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 million कॉपीज. और जो मेरा नॉवेल है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, इसकी कितनी कॉपी बिकी है, 10 से 15 मिलियन कॉपी इसकी बिकी हुई है. सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स. तो अगर हम इसको कंपैरेटिव करें परसेंट में, तो 10 टू 15 मिलियन इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज. तो ये बहुत छोटा प्रतिशत होगा रीडर्स का, जबकि रीडर्स कुल कितने हैं, 6 बिलियन पीपल. तो ये बहुत छोटा परसेंटेज है. बट इट इज एग्जैक्टली These kind of readers who don't want easy experiences. लेकिन इससे ये चीज समझ में आती है, ये वो readers हैं जो बहुत easy experience पढ़ना पसंद नहीं करते, मतलब उनको मेरे जैसे ही taste का पढ़ना पसंद आ रहा है. Or at least don't always want this. और कुछ जो बार बार इसको नहीं चाहते. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoyed it and I need it, but not all day. वो कहते हैं मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सीरियस उसमें मोड में नहीं रहना चाहता. मैं रात्रि 9 बजे के बाद जब मैं डिनर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं टेलीविजन देखना पसंद करता हूँ.
और वहां पे मीएमई वाइज यानी बहुत एंटरटेनिंग जो प्रोग्राम रहते हैं, या कोई इमरजेंसी रूम, कोई मेडिकल रिलेटेड, या फिर कोई ऐसे जो डेली एपिसोड्स आते हैं टेलीविजन पे, वो देखता हूँ। लेकिन मैं सारा दिन ये सब चीजें नहीं देखता, मतलब मैं कुछ समय के लिए ही एंटरटेन पसंद करता हूँ। मुकुंद, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील्स विथ अ पीरियड ऑफ मेडिवल मिस्ट्री दैट? तो कहते हैं ऐसा तो नहीं है कि इस नोवेल को जो इतनी ज्यादा सफलता मिली है वो इसलिए मिली है कि इसमें आपने मीडिएवल हिस्ट्री को शो किया है, मीडिएवल हिस्ट्री को प्रेजेंट किया है अंबर ट्री को। दैट्स पॉसिबल, हाँ संभव है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, मैं तुमको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन, क्योंकि मैं हमेशा एक चाइनीज वाइज मैन की तरह स्टोरी सुनाता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल शी लव्ड माई बुक, मेरी अमेरिकन पब्लिशर थी, उसने जब मेरी बुक को देखा तो उसने कहा मुझे पसंद है ये बुक। शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3,000 कॉपीज इन अ कंट्री, अब वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस नॉवेल की 3,000 से ज्यादा कॉपियां बेच पाऊंगी। क्यों? Where nobody has seen a cathedral or studies Latin, क्योंकि वो अमेरिका जैसी कंट्री में कुछ लोग कोई भी चर्च में या स्टडी लैटिन यानी लैटिन की पढ़ाई करने के बारे में इतना इंटरेस्ट शो नहीं करता था। सो आई वॉज गिवन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज, तो अमेरिकन पब्लिशर ने मुझे 3,000 कॉपियों के लिए क्या कर दिया, एडवांस पे कर दिया। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 million इन द US। अब लेकिन क्या हुआ अंत समय तक, क्या हुआ कि 3,000 कॉपीज की बजाय वो 2 or 3 million कॉपीज उस अमेरिका में बिक गई। A lot of books have been written about the medieval past far before mine। ऐसा नहीं है कि ये मीडिएवल हिस्ट्री के कारण बिकी है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारी पुस्तकें मीडिएवल पास्ट पर पब्लिश हो चुकी थी मेरी पुस्तक के प्रदर्शन होने के पहले। I think the success of the book is a mystery। मैं सोचता हूँ कि मेरी किताब को इतनी बड़ी सफलता मिलना एक रहस्य, मिस्ट्री मतलब रहस्य। Nobody can predict it। कोई भी इसके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। I think if I had written the name of roses 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same। Why it worked at that time is a mystery। अब बोलते हैं कि मेरा खुद का भी ऐसा मानना है कि अगर मैंने ये नोवेल द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले लिख दिया होता या 10 साल बाद में लिख दिया होता, तो हो सकता कि जो ये इतनी पब्लिश हुई है ये उतनी सेम तरीके से फेमस ना हो पाती। व्हाई इट वर्क इट एट दैट टाइम इज अ मिस्ट्री, इसने उस समय में इतना सारा कार्य, इतना सारा फेमस कैसे हो गई, ये क्या है अपने आप में एक रहस्य है। तो ये था इंटरव्यू मुकुंद पद्मनाभन और अम्बर्टो इको के बीच में। बच्चों इसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली है कि खाली समय को कैसे यूज करना है, इसको आप बहुत ध्यान में रखिए। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर 7 यहाँ कंप्लीट होता है, साथ ही हमारी जो ये टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, इसका जो टेक्स्ट पार्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम विस्टास के